राम स्नेह पीठ रामधाम खेड़ापा के पीठाचार्य सहित संतों का डाबली में हुआ चातुर्मास प्रवेश शोभा यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, ऐतिहासिक शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। राम स्नेह संतों का चातुर्मास को लेकर गुरुवार को डाबली स्थित राम स्नेह राम द्वारे में भव्य ऐतिहासिक शोभा यात्रा के साथ मंगल प्रवेश हुआ। राम स्नेह पीठ रामधाम खेड़ापा के पीठाचार्य पुरुषोत्तम दास और उनके उत्तराधिकारी संत गोविंद राम शास्त्री सहित अन्य संत मंडली का मालानी क्षेत्र में प्रथम बार चातुर्मास गुरुवार से डाबली में शुरू हुआ। चातुर्मास मंगल प्रवेश शोभा यात्रा का आयोजन सुबह 10 बजे महादेव मंदिर डाबली से रवाना होकर चातुर्मास स्थल डाबली राम स्नेह राम द्वारा पहुंची। शोभा यात्रा में महिलाओं व बालिकाओं ने सिर पर कलश धारण कर संतों की अगवानी कर स्वागत किया। चातुर्मास प्रवेश के दौरान बैंड बाजों व डीजे के साथ महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, वहीं युवा गुरुदेव के जयकारे लगा रहे थे, वहीं झूम रहे थे। जगह जगह फूलों से पुष्प वर्षा की गई। चातुर्मास के दौरान 26 सितंबर तक सत्संग, संतवाणी, भजन संकीर्तन के साथ कई धार्मिक आयोजन होंगे। इस दौरान डाबली सरपंच हनुमान राम देडू, रंगाला सरपंच राजू राम, लूणाकला सरपंच हुक्माराम सोयल, पूर्व सरपंच खंगारा राम रोपड़िया, पूर्व सरपंच ठाकरा राम बोता, डालू राम कड़वासरा, माना राम देडू, गोमा राम रोपड़िया, गोखला राम गोदारा, दूधा राम रूपाराम गोदारा, मोहनलाल, संपालाल सुथार, शोखाराम सोयल सहित सैकड़ों भक्तगण मौजूद रहे। कार्यक्रम विशाल शोभा यात्रा के साथ राम स्नेह राम द्वारे में पहुंचने पर महिलाओं द्वारा भव्य समयपूर्वक स्वागत किया। ऐतिहासिक रही शोभा यात्रा संतों के चातुर्मास प्रवेश के दौरान ऐतिहासिक शोभा यात्रा रही। शोभा यात्रा करीब 1 किलोमीटर तक लंबी चल रही थी, जिसमें सबसे आगे रथों पर विराजमान साधु संत मौजूद थे। वहीं उनके पीछे सिर पर कलश धारण किए बालिकाएं व महिलाएं चल रही थी। उनके पीछे डीजे की धुन पर युवा झूमते नाचते चल रहे थे, वहीं गुरुदेव के जयकारे लगा रहे थे। ऐसे में शोभा यात्रा तय समय पर राम द्वारा पहुंची, जहां पर नवनिर्मित पांडाल का गुरुदेव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान गुरुदेव के जयकारों से माहौल धर्ममय हो गया। वहीं प्रवचन आरती सहित विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। गुरुदेव ने सभी को प्रवचन दिए। इस दौरान उसके पश्चात भव्य भजन संध्या सत्संग का कार्यक्रम हुआ। वहीं दोपहर में प्रसादी का भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें आसपास के सैकड़ों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। हेलो, बोलो श्री।